भाई अभी हम निकल पड़े हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, वहाँ की तरफ। कौन सी जगह है वो? बाली हाई पैर। हाँ, बाली है पैर की तरफ। सो ये जस्ट अभी हम बिल्डिंग से निकले हैं, तो हमने एक्सप्रेसो पकड़ ली हाथ में भाई। सो ये देख, तो आपको बताते हैं क्या रहता है आज का डे का जो भी शेड्यूल रहता है। भाई ये अभी हमें छोड़ के हम निकल चुके हैं। देखो भाई, पटाया सिटी लिखा हुआ है आगे, और ये रहा भाई पूरा जो भी काम जाम रहता है यहाँ पे, वो दिखाएंगे आज आपको। फेरीस वगैरह जो भी हम करेंगे। देखो भाई, लुक एट दिस, वाह भाई, ये देखो, ये पूरा प्रॉपर जो समंदर के साथ जो पटाया का सारा व्यू दिखता है। तो ये रहा भाई बाली से दिखता है, ये इस जगह का नाम है बाली। सो ऐसा ही कुछ है, यहाँ से आप स्पीड बोट्स वगैरह कर सकते हो, काफ़ी वाटर ये के लिए एक्टिविटीज़ है, सारा कुछ आप यहाँ से कर सकते हो। और आपको दिखाते हैं, ये देखो भाई, भाई यहीं पे सिंगम, पटाया सीढ़ी सिंगम गोवा में हुआ था भाई, दिस इज़ नॉट गोवा। ये देखो भाई पटाया सीढ़ी, तो ये पटाया है, ये लोग वाटर उसके लिए लेके जाते हैं। सो ये बता रहे हैं कि हमें कैसे लेके जाना है। दिस भाई, ये लड़की बोल रही है भाई, इसके अंदर एक बंदे का सारा ये आइलैंड का ट्रिप रहेगा। इसमें आप लोग अगर स्कूबा ड्राइविंग वगैरह करते हो उसके अलग चार्जेस है, और पैरासेलिंग वगैरह, पैराग्लाइडिंग वगैरह, और जो स्पीड बोट वगैरह है सबका अलग चार्जेस रहेगा। सो ये आना चाहिए, सिंगल पर्सन का जाने का है, डबल सिंगल वे का, तो ये डबल वे का है, तो काफ़ी सही है भाई जिसको करना है। हम देखेंगे अभी इस आइलैंड के ऊपर अभी जाएंगे तो आपको बताएंगे। ये व्यू देखो काफ़ी सही लग रहा है, और अभी थोड़ा यहाँ पे आगे पीछे घूम के ना फिर हम लोग आइलैंड की तरफ निकलेंगे। तो यहाँ पे जो वाटर स्पोर्ट वगैरह है वो बुक कर सकते हैं, बाकी वहाँ पे भी जाके आप कर सकते हो। तो हम देखेंगे जो रिजनेबल प्राइस हमें मिलेगा, सो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर बुकिंग वगैरह करेंगे उस हिसाब से। तो हमने काफ़ी रिसर्च किए भाई कि कैसे जाते हैं, क्या क्या होता है। सो हमें प्राइस रिजनेबल नहीं लगा, ये लोग ऐसे रोक के ना बहुत ज़्यादा प्राइसेस बोलने लग जाते हैं, स्कूबा ड्राइविंग वगैरह जो पैराग्लाइडिंग पैरासेलिंग है। सो इसलिए बेटर है हम थोड़ा मार्केट घूम के देख लें कि क्या प्राइसेस चल रहा है। सो देखो ना भाई, एक्चुअल में बात ये होती है ना, पैसे की नहीं होती है, देखना होता है चीज़ें, क्योंकि कल कोई ऐसा बंदा आता है जो इतना ज़्यादा प्राइस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सो उस वजह से हमें भी देखना चाहिए कि भाई क्या सही प्राइस रहता है, उस हिसाब से करनी चाहिए, वरना देने के लिए तो भाई 50,000 दे के जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो चीज़ें भाई देख के संभाल के करनी चाहिए। तो भाई इनसे पूछ लो कि कोलान आइलैंड के लिए ये बोट भी काफ़ी प्राइस पे जाता है चीप। सो अभी देखते हैं क्या प्राइस रहता है। भाई ये बोट भी जाता है, ये मेरे को 30 baht में पर पर्सन वन वे लग रहा है, तो काफ़ी चीप प्राइस है, अच्छी है। सो ये तो काफ़ी अफोर्डेबल भी है, अगर भाई 200 और 30 baht में बहुत फ़र्क है, बहुत अंतर है भाई। सो ये मैं बोलता हूँ कि ये कुछ अपने लिए मेरे को लगता है काफ़ी सही प्राइस है, क्योंकि भाई देखो जाना आना है, इसमें आपको कोई लेना देना नहीं है बोर्ड का, बोर्ड तो काफ़ी अच्छी है, सीटिंग अरेंजमेंट है सारा कुछ। सो देखें अपने हिसाब से, आप स्पीड बोट भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। सो भाई अभी हम ये बोर्ड के ऊपर चढ़ चुके हैं। सो यहाँ से अभी हम निकलेंगे भाई जो आइलैंड है वहाँ पे, तो कुछ ऐसा रहता है भाई, काफ़ी कूल लग रहा है ये तो। लास्ट पे करूँ, थैंक यू भाई, ये पहननी पड़ती है, ये देखो इतना गंदा हो चुका है ये।
हेलो ये आकर डुलेंगी ये नीचे की तरफ भी बैठने का स्पेस है भाई, ये देख लो काफी कूल है। ओह ला ला, लुक एट दिस। अभी भी नाजगर भाई जैकेट लगा के लाइफ जैकेट लगा के रेडी हो चुके हैं। सो ये भाई मेरे को नहीं लगता ये इसको डूबने से बचाएगा, क्योंकि ये हर जगह से फटा हुआ नहीं है, इसका वाला तो नया है। मेरा वाला तो थोड़ा देखो भाई हालात दुनिया भरी। ओह माय गॉड, लुक एट दिस व्यू, चेक इट आउट। मैं अभी चल रहे हैं जस्ट बाय बाय पटाया। बोर्ड है ना, स्पीड बोर्ड में शायद उसमें कैपेसिटी होती है कोई 20 लोगों का, इसमें शायद 150 लोगों का कैपेसिटी है। तो भाई कोई फ़र्क नहीं है यार, उसमें थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं और इसमें थोड़ा 10 मिनट लेट पहुंच जाते हैं, बट ये उससे कम से कम 5 गुना चीप है। सो मैं तो रिकमेंड करूँगा भाई इसमें जाया करो, क्योंकि देखो भाई अगर उसमें जाओगे ठीक है, बट इतने पैसे देने क्यों है भाई, जब तुम्हें ये शिप भी ये बोर्ड भी तुम्हें छोड़ रहा है वहाँ पे आइलैंड के ऊपर। सो ये वाला मैं ज़्यादा लोगों को प्रेफर करूँगा कि ये वाला बोर्ड किया करें। सो वो ज़्यादा बेटर है, आपके लिए बचत भी होगी, फिर आप जो वाटर स्पोर्ट्स वगैरह करेंगे उसके लिए आपको उसको आपको भी सही रहेगा, उसके लिए जो आप वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी आपको सही प्राइसेस मिलेगी। और हमेशा प्राइस देखा करो जब भी आप कोई भी स्पोर्ट वगैरह या वाटर स्पोर्ट जो वाटर इंथ्यूजियाज है उनके लिए जो कुछ भी करोगे सबसे पहले पूछा करो क्या है क्या नहीं है, प्राइसेस की सारे कंपेयर करो कैसे प्राइसेस रहता है, तो उस हिसाब से कर लो भाई। काफ़ी चीप में भी आप कर सकते हो, ये नहीं कि भाई सबको आप 3,000 बात देते चल रहे। सो इसमें आप 300 में भी वही चीज़ कर सकते हो, बट थोड़ा चीप प्राइस पे। सो आप वो चीज़ें ध्यान में रख के सारा कुछ करें। भाई अभी काफ़ी टाइम बाद ये रहा भाई, कोई 40 मिनट लगता है आइलैंड रहा ये। सो अभी हम पहुंचने वाले हैं शायद मे भी 20 मिनट में, ये सही नज़दीक लग रहा है बट ये काफ़ी दूर है भाई, ये 20 मिनट कम से कम लेगा। सो जो भी रहेगा आइलैंड के ऊपर तो बताएंगे आप लोगों को। सो बने रहे, ये देखो भाई समंदर ही समंदर है। अभी हम बोर्ड से बाहर आ चुके हैं। सो अब हम आइलैंड के ऊपर हैं, ये छोटा सा एक आइलैंड के ऊपर मार्केट भी है। सो यहाँ से आप बाइकें भी हायर कर सकते हो, आप ये छोटा सा ये क्या बोलते हैं इसका बगी में भी जा सकते हो आगे पीछे, और पीछे जो बीचेस है बिल्कुल साइलेंट है, बहुत सही है भाई। सो देखते हैं क्या रहता है। ये बाइक अभी हमने आइलैंड के ऊपर रेंट किया है, 7 किलोमीटर का आइलैंड है पूरा, हम बाइक लेके अभी घूमेंगे जो प्राइवेट सारे बीचेस वगैरह और जो भी आगे पीछे रहेगा पूरा आइलैंड एक्सप्लोर करेंगे, आपको बताएंगे क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। बाइक रेंट करने से पहले सारा कुछ चेक करके एक वीडियो बना लेना प्रूफ, क्योंकि बाद में ये लोग बोलते हैं टूट गया ये वो बुला बुला। सो 200 बात है, इसका प्राइसेस तो काफ़ी सही है। तो ये रहा बाइक, भाई स्कूटी है काफ़ी सही है भाई, अभी हम चलेंगे आगे देखते हैं क्या रहता है। स्लोली स्लोली निकल चुके हम। मान चाय ले बुलेट बोले सुर दिनों
तो भाई अभी हम पहुंचे हैं कुछ इस तरह के जगह में, ये पूरा पहाड़ है, आगे जाके देखेंगे क्या रहता है क्या नहीं रहता है। सो ये देखो भाई, बात क्या ये कहाँ लेके जा रहा है कुछ में। ये आया भाई बीच अभी, सो यहाँ पे आपको बताएंगे बीच कैसा रहता है, फिर आगे वाले पे चलेंगे, थोड़ा क्राउडेड लग रहा है मेरे भाई। ये हो गया अपना पार्किंग स्कूटी का, सो यहाँ से हम चलेंगे ये सामने बीच, तो देखते हैं बीच पे कैसा रहता है, फिर देन नेक्स्ट हम दूसरे कोई जगह जाएंगे, फिर जो गोल्डन बुद्धा टेम्पल है इसके पहाड़ के ऊपर और जो साइलेंट बीच वगैरह सारा रहेगा सब दिखाएंगे, तो भाई बने रहे। सो भाई ये रहा बीच, कुछ ऐसा बीच का नज़ारा है, लुक एट दिस, ये है भाई बीच, ओह माय गॉड लुक एट दिस। हेलो ये रहा भाई, ये बंदा इधर आके पता नहीं ये हैंगिंग का ये किसको बोलते हैं झूला हमारे हिसाब से ना, तो देखो भाई बीच के साथ वैसे अच्छा ही लग रहा है, फोटोग्राफी तो सही आ सकती है। अभी ये स्पीड बोट ये भी चला सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाई नाम भूल गया मैं, सो वो देखो कोरल क्या सही लग रहा है भाई। तो भाई अभी आगे जो भी चीज़ें रहेगी हेलो सो वो दिखाएंगे अभी आपको, तो ये देखो बच्चा क्या कर रहा है। ओह Come on. Yeah, from India. Yeah. Just keep for rain, happy birthday. We are here by evening, so don't worry. We are coming back. Just looking. Yeah. Around. Okay. Up. Yo. Sorry. Would you actually not magic the tree? तो भाई अभी हम जाएंगे उधर, वहाँ पे फोटोग्राफी के लिए भी अच्छा है, वीडियोग्राफी करेंगे, सो वहाँ जाके फिर जो भी अपना चीज़ें रहेगा नहाने वहाने का या स्विमिंग करने का तो वो करेंगे। काफ़ी सही है भाई, सिर्फ फॉरेनर्स हैं यहाँ पे, ये यहाँ का लोकल तो कोई दिख नहीं रहा है, सारे बाहर के लोग हैं। चलो वो देखो पहाड़ पे कितनी अच्छी फोटो आ सकती है भाई, वाह लुक एट दिस, देखो भाई बच्चे खेल रहे हैं। वो देखो भाई क्या सही है यार, क्या लग रहा है भाई वो। तो वहाँ पे अभी आपको दिखाते हैं कैसे जाना है क्या करना है। Can we go there? The part of mountain? No? No allowed? No allowed? Okay, thank you. Allah. क्या हो रहा है यहाँ पे, तो ये देखो भाई यहाँ पे मंकीज को मैंगो खिला रहा है लोग, काफी सही है, सारा मैंगोस वगैरह है यहाँ पे, लोग लेके आते हैं मंकीज को खिलाने के लिए, तो ऐसा ही कुछ है भाई। भाई जस्ट अभी हम नहा के निकले हैं, सो
अब हम जाएंगे नेक्स्ट जो बीच रहेगा वो टेंपल रहेगा वहाँ पे, तो दिखाते हैं जो भी रहता है जैसा भी रहता है। और अभी थोड़ा स्वीट शावर लेने जाना है, ये पूरा नमकीन पानी है समंदर का तो काफ़ी जल जाता है भाई बदन, सो अच्छा भी नहीं है भाई। जस्ट अभी ये वाला बीच फिनिश करके अब नेक्स्ट जा रहे हैं, टेंपल देखते हैं फिर नेक्स्ट बीच जाएंगे। यहाँ पे कोई 7-8 बीचें हैं, सो पता चलेगा, देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता। ये रहा नॉल बीच व्यू पॉइंट ऊपर की तरफ है, ये 10 बीच भी ऊपर की तरफ है और सामिया बीच भी ऊपर की तरफ है। सो ये रहा भाई। सो अभी हम यहाँ से मेन जहाँ से आए थे वहाँ जाते हैं, बीच से ये वापस आनी पड़ती है, फिर यहाँ से हमें जाना है ऊपर की तरफ। तो भाई ये अपना खाचे जा रहा है यहाँ से ये ऊपर वे टू सामिया बीच। सो अपने सामिया बीच की तरफ हम निकल पड़े हैं। सो ऐसा कुछ है भाई, हेलो स्वागत है। ये रहा रोड, यहाँ से एक अच्छा व्यू पॉइंट आ रहा है, ये देखो भाई, लुक एट दिस व्यू, वाओ। सो यहाँ से चलेंगे आगे, व्यू देखो क्या सही है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट जो बीच की तरफ, फिर जाएंगे जो टेंपल है बुद्धा गोल्डन बोल्डन का ऊपर, जो पहाड़ के ऊपर गोल्डन बुद्धा का जो टेंपल है वहाँ चलेंगे, जा रहे हैं। ये देखो भाई आगे बीच, ये पहुंचा भाई से जो नेक्स्ट बीच था। वाओ लुक एट दिस मैन, चेक आउट, क्या जबरदस्त लग रहा है भाई। तो अभी आपको बीच दिखाते हैं भाई, पार्किंग में लगा लो। सो ये रहा भाई बीच, क्या ब्लू पानी है यार, क्या सही है। बट ये साइलेंट बीच तो नहीं है, ये काफी क्राउडेड है। तो नेक्स्ट आगे मे भी शायद 8-10 बीचें हैं यहाँ पे, सो भी बारी बारी पे हम लोग जाएंगे, देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता। सो भाई ये रहा बीच, काफ़ी कूल लग रहा है। एंड नेक्स्ट अभी हम जाएंगे यहाँ से, ये पूरा प्रॉपर बीच कवर करेंगे, यहाँ से फोटोग्राफी के लिए भी अच्छा है। तो चीज़ें देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है। भाई ये चेक करो व्यू। सो यहाँ से फोटोग्राफी खतरनाक आती है भाई, ये देखो बंदे अभी फोटोग्राफी कर रहे हैं, लुक एट दिस, वाओ लुक एट दैट। सो यहाँ से बाइक और गाड़ी अलाउ नहीं है, यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर साइन वगैरह लगाई हुई है कि वो बोर्ड वगैरह लेके आप गाड़ी वगैरह लेके यहाँ पे नहीं जा सकते, फाइन है 2000 बात का। सो ये है भाई। सो ये देखो, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ये जो पानी है ब्लू बिल्कुल बीच में क्लियर है, और साइड से देखो भाई काला काला, बीच में पूरा ब्लू दिखेगा आपको, वाओ लुक एट दिस अमेजिंग। एक छोटा सा लकड़ी का पुल आया, इसके ऊपर एक साइन बनी हुई है, पता नहीं क्या बोला है, डू नॉट सिट सोशल डिस्टेंस ऐसा कुछ बताया हुआ है साइन। सो यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, ये छोटा सा केव है, ओह माय गॉड लुक एट दिस, वाह। सो ये है भाई प्रॉपर बीच। अब यार दोबारा यहाँ पे नहीं नहाएंगे, देख लिया आप आगे जाएंगे, देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता। नेक्स्ट वाला जो टेम्पल है और जो भी बीचेस रहेगी सारे पे चलते हैं, फिर थोड़ा खा पी के फिर बीच पे बैठेंगे, थोड़ा चिल करेंगे फिर जाएंगे। भाई ये रहा, अभी हम बीच से बाहर आ गए, सो टेंपल की तरफ जाएंगे, आगे से शॉर्टकट ले लेंगे, देखते हैं। सो भाई ये रहा शॉर्टकट, यहाँ से बग्गी को जाने के लिए अलाउ नहीं है, आगे देख लो भाई साइन बोर्ड पे, अगर भाई 1.7 किलोमीटर है ये ट्रैफिक पुलिस का जो भी है उसकी पिक मस्किल भाई क्यों। ये बग्गी रहा भाई, बग्गी नहीं जा सकते बट स्कूटी जा सकते हैं, तो ये अपना स्कूटी जा रहा है। हाय असगर भाई कामयाब हो गए, ये इतना चैलेंजिंग था, ओ भाई ये तो और भी चैलेंजिंग है, नीचे की तरफ जा रहा है। सो चलो ये तो जंगल लग रहा है पूरा भाई, है ना, ओ माय गॉड लुक एट दिस, वाओ ये ड्रोन शॉट का इतना मजा से। ये देखो भाई ट्रक यहाँ से जा नहीं सकते, तो इन्होंने बताया हुआ है। सो बग्गी तो जा सकते हैं, बग्गी भी जा सकते हैं वैसे, है ना, बट चलो वो ज़्यादा लोग उड़ाते हैं तो शायद मे भी चढ़ नहीं पाए।
काफी ये चढ़ाई वगैरह है यहाँ पे, ये तो पूरा जंगल है भाई। कुछ आ जाए ना फिर मेरे को नहीं बोलना, मैं तो भागूंगा। हाँ वैसे हम स्कूटी पे है ना, हम स्कूटी नहीं जा सकते, वैसे छोड़ के भागना पड़ेगा हमें, पर रोड बहुत छोटा है। हाँ ये तो हमारे वहाँ तो इसको फुटपाथ बोलते हैं, इन्होंने रोड बनाई हुई है। चलो ठीक है भाई, ऊपर मंदिर है शायद। So, ये पता नहीं साइकिल है क्या? हाँ पता नहीं, हाइकिंग के लिए हुआ शायद, साइकिलिंग का। हाँ ये देख, हाँ हाँ वो देख गया भाई। चलो ये आया भाई पहाड़ के ऊपर, वो देखो जंगल जंगल है। अभी किसको हॉर्न मार रहा है, आगे से एक बंदा आ रहा है। ना मगुल पापा शादी का, ये नीचे है बिल्कुल भाई, इन्होंने बोला है। मुझे ऐसा लग रहा है इतना है ना, मेरे को लगता है इधर तो भाई बंदा साइकिल चलाए तो ज्यादा बेटर है ना। ये तो भाई इतना शार्प शार्प मुंड है, ये गर्ल्स है वो काफी, जो डाउन हिल है वो तो इतनी खतरनाक है भाई। अगर ये फिर भी, ये तो फिर भी ठीक है, हमारे यहाँ तो यहाँ पे मिट्टी पड़ी होती है तो फिर इतना खतरनाक स्लिप होगा ना फिर। So, ऐसा ही कुछ है। हेलो ब्रदर, तो ये रहा भाई लेते हुए। मौत को चुके टक से वापस आ गया हमारा अजगर खाचे। ओ भाई लुक एट दिस, ये तो भाई खतरनाक एडवेंचर है। हिलना मना है यहाँ पे, हिलना मना है। पिछवाड़ा थोड़ा खिसका, मौत को टच करके छू के निकल से आएगा। अरे भाई एक्सीडेंट नहीं करवानी, सबर सबर सबर, सीधे छोड़ो छोड़ो, नाची फूल दो दुल्ला शाबत बनान पट दुल्ला यो माता। ये तो भाई ये देखो कहाँ आ गए हम। सो अभी देखते हैं कहाँ से रास्ता है, यहाँ से भी एक है, ये भी नीचे भी जाता है। सो देखना पड़ेगा क्या रहता है, कितना शार्प है ये, इसे नीचे जा रहा है बिल्कुल। भाई हमारा असगर भाई का तो बड़ा चैलेंज हो गया भाई। अरे भाई ऊपर करंट देखो कैसी आवाज कर रहा है करके। ओ लुक एट दिस, ये बीच आ गया ना। अबे टेंपल कहाँ रहा, ऊपर देखो पैराग्लाइडर। अबे टेंपल कहाँ है, तो ये टेंपल पे जाएंगे। ये देखो भाई पैराग्लाइडर जा रहे हैं उससे। ग्लाइडर जा रहे ऊपर से, तो ये भी कोई बीच है, टेंपल तो हमें मिला नहीं, ये दूसरी बीच पे आ गए। सो बीच रहा भाई, let's race race race